हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं माया और आज का मेरा व्लॉग है इज़ ऑल अबाउट अलबेग। हमारे एरिया में अलबेग की एक नई ब्रांच ओपन हुई है जो कि हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं थी। सो अलबेग के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे कि दुबई मॉल। सो अब फाइनली अल हुदैबा, यू नो आपको पता होगा कि अल हुदैबा जो सतवा के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पर अलबेग की एक न्यू ब्रांच ओपन हुई है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ हमारे एरिया के दूर दूर तक भी अलबेग की कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ की पूरी आवाम भी बहुत खुश होगी कि बिकॉज़ अलबेग हमारे एरिया में आ चुका है। सो गाइस, ये है अलबेग और मैं अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये था हमारे पास मेन्यू। सो मेन्यू देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चली, वो ये कि जो बर्गर्स हैं वो वन वीक के बाद लॉन्च होंगे। और जो सबसे ज़्यादा दुखी होने वाली बात थी वो ये कि जो अलबेग का द मोस्ट फेमस चिकन है, जो 4-piece चिकन है, वो हमें नहीं मिला क्योंकि वो यहाँ पे लॉन्च नहीं होगा। सो इस वजह से मेरा तो दिल ही टूट गया। सो गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर में मैंने जस्ट एक नगेट्स की डील बाई की है बिकॉज़ मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे मैंने फलाफल भी ऑर्डर किए थे जो मैंने रास्ते में खा लिए थे। सो अभी मैं बाय बाय कर रही हूँ अलबेग को। सो गाइस, मैं ईगरली वेट कर रही हूँ 4-piece चिकन के लिए। आई होप कि वो जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो हमें इसलिए चिकन नहीं मिला था, हमने रास्ते में जबले नूर भी बाई कर लिया बिकॉज हमें तो चिकन चाहिए था। तो ये हम घर पहुँच चुके हैं और ये है हमारे साथ जबले नूर और अलबेग के नगेट्स। और नगेट्स बहुत ही टेस्टी थे, बहुत फ्रेश थे। सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।